तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ये ग्रिल पहले से मॉडिफाई की हुई है। देख सकते हैं इसमें ये जीटी वाला लोगो की लाइट भी लगाई हुई है। तो अब हम इसमें इस तरह की ग्रिल लाइट लगाने वाले हैं। और हाँ, इसमें ग्लॉसी ब्लैक कलर किया हुआ, तो हम इसमें मैट ब्लैक कलर करने वाले हैं। तो अब हम पहले इस ग्रिल को खोल लेते हैं। देख सकते हैं खोलने के लिए चारों प्लास्टिक के पेच है, इसको निकाल दे, ऐसे प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएंगे। देख सकते हैं हमने चारों को ऐसे प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं ये ग्रिल निकल गई है। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ग्रिल को हमने निकाले और अब हम इसको क्लीन करेंगे। तो अब हमने इसको क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं इसका ये जीटी लोगो, हम इसको भी निकालने वाले हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह की एलईडी मैंने बाय की हुई है, ये मैंने मेकर बाजार से बाय की हुई है। आपको मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ चिपकाएंगे, इस साइड भी इसको चिपकाएंगे। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पीछे इसका स्क्रू लगाया हुआ है, तो उस स्क्रू को हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं हमने इस वाले लोगों को भी निकाल लिया है, और ये वाली जो रेड स्ट्रिप लगी है इसको भी निकाल लेते हैं। चलो पहले निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये फेड पड़ गई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एलईडी के ऊपर के ग्लास को मास्किंग टेप की मदद से इसको मास्क कर दिया है। देख सकते हैं क्योंकि हम इसको ब्लैक कलर करने वाले हैं। पर आप फ्रेंड्स, ये भले ही येलो कलर की दिख रहे पर ये ऑरेंज में जलेंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ग्रिल पर इसको इंस्टॉल कर दिया है चारों के चारों को। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे और इस पर हम मैट ब्लैक कलर जो हमने मंगाया वो इस पर अप्लाई करेंगे। और इसको देख सकते हैं इसकी वायरिंग के लिए होल भी कर दिया हमने। देख सकते हैं, तो ये है मैट ब्लैक कलर, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं मैट ब्लैक कलर। और हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले तो हमने इसकी प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर दी है। देख सकते हैं जो केबल टाई आती है उसकी मदद से इसकी दोनों साइड से प्रॉपर तरीके से दो दो एलईडी की वायरिंग कर दी है। देख सकते हैं प्रॉपर ये जो हीट सिंक आती है उसका यूज़ किया हमने वायर जॉइंटिंग के लिए, इस साइड भी और इस साइड भी। देख सकते हैं तो हमने इस तरह प्रॉपर वायरिंग कर दी है। देख सकते हैं अब हमने इस पर देख सकते हैं हमने कलर को अप्लाई कर दिया है पूरा तरीके से। देख सकते हैं पूरी ग्रिल पर, तो ये इसका पर हमने किया है मैट ब्लैक कलर। देख सकते हैं अभी थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं, बाद में आपको इसका कैसा रिजल्ट निकल के आया वो आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से कलर सूख गया। और उसके तो एलईडी पर हमने मास्किंग टेप लगाई थी उसको भी हमने हटा दिया। देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आया हुआ है। देख सकते हैं यह मेरा ब्लैक कलर, तो कुछ इस तरह का इसका लुक आया हुआ है। देख सकते हैं तो ये है फ्रेंड्स कंपनी की जो स्टॉक ग्रिल आती है वो है। तो देख सकते हैं इसको भी हमने क्लीन करके ले लिया प्रॉपर तरीके से। देख सकते हैं ये वाले ग्रिल कुछ इस तरह ऊपर ही लग जाएगी, और देख सकते हैं कितना ऑसम लुक आ रहा है। देख सकते हैं और आप फ्रेंड्स इसके अटैचमेंट के लिए देख सकते हैं ये हमने चार स्क्रू लिए हुए हैं, जो कि चाइनीज स्क्रू आता है वो है उसके। और दूसरी हमने ये देख सकते हैं 3M डबल साइड टेप ली हुई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने डबल साइड टेप को पूरी ग्रिल पे लगा दिया है। देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि हम इस पर स्क्रू भी लगाने वाले हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने स्क्रू को भी लगा दिया है चारों के चारों को।
हमने इस पर डबल साइड टैप का भी यूज़ किया है तो ये प्रॉपर तरीके से ये अटैचमेंट हो गया, देख सकते हैं चिपक गई है, ये अभी निकलेगी नहीं, देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से चिपक गई है। फ्रेंड्स हमारी जो वायरिंग करनी बाकी रह गई थी तो देख सकते हैं पहले ही दो LED की वायरिंग और ये दूसरी दो LED की वायरिंग, तो हम इसको दोनों ये चारों LED के वायर को हम सिंगल में कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने वो जो पुराने वाला कपड़ा था उसमें हमने उसकी वायरिंग कर दी है प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं दोनों साइड की दो LED की, और इस पर प्रॉपर तरीके से हमने टैपिंग कर दी। तो देख सकते हैं जैसा कि अब कंपनी पीटर जो वायरिंग आती है ऐसे प्रॉपर तरीके से हमने कपलर वाली वायरिंग कर दी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली हमने अपनी कार में वापस इंस्टॉल कर दिया है ग्रीन को, देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आया है। तो कैसा लुक आया है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आया हुआ है। अब हम उसको जला कर देखते हैं तो देख सकते हैं दिन में कुछ इस तरह की जल रही है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका नाइट का व्यू भी दिखाऊंगा मैं, तो चलिए अब हम इसका नाइट का भी देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स नाइट में कुछ इस तरह का लुक आया है हमारी कार का। और हाँ फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय किए नाइट व्यू।